सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए। और मैंने यहाँ कुछ दीपावली स्पेशल बनाया है जो बहुत ही ज़्यादा आसान है और स्पेशल है। तो यहाँ मैंने MDF के दो ये मतलब ये लिए हैं, और अगर आपके पास MDF के ना हो तो आप कार्डबोर्ड भी ले सकते हो। और मैंने वेलवेट का कपड़ा लिया है, एक्चुअल में मेरे पास रखा हुआ था, तो इस पर मैं फेविकोल लगा रही हूँ। ज़्यादा ज़्यादा फेविकोल लगा देंगे, क्योंकि ज़्यादा लगाएंगे तो अच्छे से जल्दी चिपका लेगा। और वेलवेट का कपड़ा मैंने इसके ऊपर रख दिया है, और जो बचा हो उसे आप कैंची से बराबर काट लें अपने मुताबिक। और प्लीज़ आप ये अपने घर पर ट्राई करिएगा, आप रिसर्च करिए, जब आप इसका फाइनल लुक देखोगे ना तो बहुत प्यारा लगेगा। और यहाँ मैंने काट लिया है बराबर से, और दूसरे वाले पे भी मैं वेलवेट का कपड़ा कर लूँगी। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर रही हूँ, मैं शॉर्ट में दिखा रही हूँ आपको, ताकि आप लोग बोर ना हो। और मैं इस पर मतलब बहुत ही आसान सा शुभ दीपावली लिखूँगी। आपको अगर शुभ लाभ लिखना हो तो आप वो भी लिख सकते हो, बट मुझे शुभ दीपावली ज़्यादा अच्छा लगा लिखना, तो मैंने शुभ दीपावली लिखा। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। और यहाँ मैंने पेंसिल से लिखना शुरू कर दिया है। ये देखिए, और दूसरे में मैं माता का चरण बनाऊंगी। मुझे भी ज़्यादा अच्छे से बनाना नहीं आता, बट मैंने ट्राई किया तो बन गया, एक ही बार में बन गया था मुझसे। तो यहाँ मैंने बना लिया है। अब मैं इसके जो साइड में जो किनारे किनारे ना, यहाँ पे मैं कुछ मिरर लगाऊंगी, ताकि इसकी मतलब जो ये और खूबसूरत लगे। मिरर लगने के बाद मैं यहाँ पे इस मिरर का यूज़ करूँगी, और फैब्रिक ग्लू की मदद से मैं ये मिरर लगा लूँगी दोनों पर। मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, मैंने पूरा दिखाया नहीं, शॉर्ट शॉर्ट में दिखाया है। और यहाँ पे मैंने दोनों में देखे मिरर लगा लिए, अभी से कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये शुभ दीपावली और माता के चरण मैंने वाइट कलर से, एक्रिलिक कलर से कर दिया है। मैंने करते हुए नहीं दिखाया, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, और क्योंकि नीचे मतलब रेड है, ऊपर फिर और कोई कलर नहीं सूट कर रहा था, तो मैंने वाइट से कर दिया। वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और बीच बीच में मैंने कुछ थोड़े स्टोन लगा दिए हैं, और ये ऊन से मैंने इसको हैंग करने के लिए पीछे फेविकोल की मदद से चिपका दिया है। और ये देखिए, मेरा बनके तैयार हो गया, और ये मैंने नीचे टेजल लगा दिया। बहुत खूबसूरत लग रहा है, कैमरे में तो पता नहीं, मगर ये रियल में बहुत अच्छा लग रहा है। इसका फाइनल लुक देखिए गाइस। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।